उम्मेद सिंह, भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश उपाध्यक्ष। किस इलाके से आप? अब मैं अमरोहा से हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश से। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आता है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। हमारी जो फसलें हैं उनका उचित दाम नहीं मिल पाता, मीन्स कि लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता। देश में एक किसान ऐसा वर्ग है, मजदूर ऐसा वर्ग है जो किसान पर डिपेंड है। जब किसान को बढ़िया आय नहीं मिली, फसल का बढ़िया पैसा नहीं मिल पाता, लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता, तो उसमें मजदूर भी सफ़र करता है। देखिए, पहले जो सन 60 से ले लीजिए, जब देश में क्रांति हुई थी, गेहूं की कमी थी, तो किसान ने आगे बढ़ कर हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, अपने बेटों को बॉर्डर रखाने के लिए भेजा। लेकिन किसी भी सरकार ने लेके आज तक किसान से ये वादा नहीं किया कि हमने अपने कर्मचारियों को तो कई गुना वेतन बढ़ा दिया। लेकिन किसान जब मांग करता है कि मुझे न्यूनतम समर्थन मूल्य, लाभकारी मूल्य स्वामीनाथन आयोग के अनुसार मिले, तो सरकार उस पर आनाकानी करती है। इसी आनाकानी के दौरान में समर्थन मूल्य का कानून नहीं बनाया। सरकार ने 3 कानून जो किसानों के विरोध में है, किसानों का कतई भला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जितने भी वहाँ नेतृत्व करने वाले किसान संगठनों के नेता हैं, उन्होंने सरकार को बता दिया, लेकिन सरकार फिर भी जिद पाड़ी हुई है कि ये कानून वापस नहीं होगी। हमारी मांग है कि 3 कानून में संशोधन ना करें, इन्हें वापस लें, फिर किसानों के साथ बैठकर एक बढ़िया कानून जिससे कृषि में उन्नति हो और किसान खुशहाल बने, उसके लिए हम सड़कों पर। साहब, ये जो कानून है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान तो जो भूमिहार है, जो जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है, उससे होगा, लेकिन भूमिहीन किसान जो बटाई पे काम करता है किसानों के यहाँ पर, वो कैसे प्रभावित होगा और मजदूर कैसे प्रभावित होगा? देखिए, भूमिहीन किसान तो मजदूर है, उस पर तो भूमि नहीं है, और मजदूर मजदूर है, उसको तो मजदूरी मिलेगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट कॉन्ट्रैक्ट खेती कराएंगे, तो उनको मजदूरों की ज़रूरत है, किसान की भी ज़रूरत है। लेकिन उसमें कॉन्ट्रैक्ट खेती जो है, कहीं भी ये कामयाब नहीं रही है। अमेरिका में भी चली थी, वहाँ किसान बर्बाद हो गए। उसी पैटर्न पर हिंदुस्तान में लाई जा रही है। किसान ये कह रहा है, जब किसान खुद तैयार है खेती करने के लिए, अच्छा बीज सरकार उपलब्ध कराए, अच्छा खाद उपलब्ध कराए, तो हम क्यों नहीं पैदा कर सकते, काय की जरूरत है कॉन्ट्रैक्ट। सरकार हमें सहयोग करे, हम अच्छी से अच्छी फसल उगा के देंगे, बढ़िया ब्रीड दे, उसी के आसार अच्छा अनाज पैदा करके देंगे। क्यों जबरदस्ती करना चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती से किसान को फायदा होगा? आप जिस इलाके से आते हैं, वहाँ पर अभी फिलहाल खाद बीज को लेकर जो किस तरह का पॉलिटिक्स है, ये बीज को लेकर भी एक नया कानून लाने की जो बात चल रही है, जिस तरीके से, तो आप सरकार से क्या चाहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को बिल्कुल ना एंट्री हो? या जी, बस यही चाहते हैं कि प्राइवेट ना हो, किसान को आप सपोर्ट करें, किसान को सपोर्ट करें, किसान आपको कई गुना उनसे ज्यादा कमा के देगा। उसमें एक प्रॉब्लम और इन्होंने करी है, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट को हटाने का कारण, देखिए, डिमांड और सप्लाई पे किसी भी चीज के भाव डिपेंड करता है। डिमांड है तो उस चीज का भाव ऊपर हो जाएगा, डिमांड नहीं है तो सस्ता दामों पर बिकेगा। तो इसको हम जो, हमारा जो डर है ये है कि जो बड़े कॉरपोरेट हैं वो होर्डिंग करेंगे, जब डिमांड होगी वो सारा इकट्ठा कर लेंगे और उसको महंगे दामों पर उपभोक्ताओं को देंगे, किसान को उसका फायदा बिल्कुल नहीं मिलने वाला। कुछ उदाहरण के लिए बता सकते हैं कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ हो? नहीं, यहाँ तो जो लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, जैसा आलू का है और कई चीजों का करते हैं, जैसे आप लगा लीजिए, हाँ प्याज है, तो इनमें ये हुआ, जब महंगी हुई तो उसमें खरीद लेंगे, या हमारा एग्रीमेंट है 800 रुपए का, 800 रुपए पे उन्होंने खरीद लिया आलू, बढ़िया मान लिया, वही भाव बाजार में 400 आ गया, तो किसान को उसमें आनाकानी करते हैं कि ये तेरा आलू खराब है, ये मोटा है, ये पतला है, और हमारा पूरा जो फसल है उसको नहीं खरीद, उस पर कोई रोक नहीं लगती, मतलब उसकी मनमानी चलती है। तो इस चीज से
किसान घबराया हुआ कि क्यों कर रहा है ऐसा हमें, जब हम मांग ही नहीं कर रहे। हाँ, हम तो सरकार से ये कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनाओ, उस पर आलू भी खरीदो, सब्जी भी खरीदो, गेहूं भी खरीदो, चावल भी खरीदो, गन्ना भी खरीदो, जो भी जो पैदा करते हैं, केला पैदा करते हैं बहुत सी जगह, प्याज पैदा करते हैं, कपास है, जो भी किसान पैदा करता है एक गारंटी बना दो, उसको कानून बना दो, तो उसमें किसान को लाभ है। बढ़िया एकदम। अमरोहा जिले से जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, सही है, वो तो जो भी पार्टी से है उनका क्या समर्थन है इस पूरे आंदोलन को? भाई सारे किसान, किसानों के लिए सारे समर्थन में है, वहाँ लोकदल भी है, सपा भी है और बसपा भी है, ये सब पार्टियां जो हैं सपोर्ट कर रही हैं, और इन मीन्स इन जो जब भारत बंद है इसी में सपोर्ट किया, लेकिन सरकार ने उससे पहले उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। किसान यहाँ अपने सड़कों पर है, जिसका समर्थन आ रहा है उसका समर्थन ले रहे हैं, लेकिन मंच हम किसी भी नेता को जो राजनीतिक पार्टी से समर्थित है उसको अपना मंच हम। राजनीतिक पार्टी में बात की जाए तो अपोजिशन तो आपके सपोर्ट में आ रहा है, लेकिन जो सरकार में है जैसे योगी आदित्यनाथ के भाषण आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं, अभी रविशंकर प्रसाद का बयान आया, वो कह रहे हैं कि जो किसान आज की डेट में बाहर बैठे हैं रोड पे, वही जो है एक समय था कि प्राइवेटाइजेशन के सपोर्ट में थे, तो उन सब बयानों को आप किस तरह देखते हैं? नहीं नहीं, ये तो देखिए भ्रम फैला रहे हैं, हमको ये दुविधा में डालना चाहते हैं, ऐसी बातें करते हैं। कभी नहीं मांगा प्राइवेटाइजेशन को, किसान ने हमेशा विरोध किया, किसी ने कभी कुछ कह दिया तो उसको सामने पेश कर देते हैं। आप मास में लाखों किसान आपको देख रहे हैं कि पूरी महाराष्ट्र से आप हैं, महाराष्ट्र का किसान भी उग्र हो रहा है, मध्य प्रदेश का भी हो रहा है, तमिलनाडु का भी हो रहा है, केरल का भी हो रहा है, मतलब 22 स्टेट जहां किसानों की बहुत ही आदत है, सारे स्टेट पर आ रहे हैं। सरकार की आँख खुलनी चाहिए और उसको मानना चाहिए भी किसानों की वाजिब मांग है। जैसे आप बता रहे हैं कि मोदी जी ने भी 2011 में किसी आयोग, किसान आयोग से जुड़े हुए थे, उन्होंने रिपोर्ट भेजी उसमें कि भाई ये कानून बनना चाहिए, अब वो खुद प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके हाथ में ताकत है, तो क्यों नहीं कानून बना देते? भाई समर्थन मूल्य से कम, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कोई भी किसान की फसल नहीं बिकेगी, किसान खुशहाल होगा, इनका भी नाम होगा, और किसान जिस चीज़ को मांग रहा है उसको तो दे नहीं रहे, जो चीज़ नहीं मांग रहा उसको थोपना चाहते हैं। आपके इलाके में किस तरह की पैदावार ज्यादा है? हमारे यहाँ गन्ना बेल्ट ज्यादा है, गन्ना है, गेहूं है, धान है, लेकिन गेहूं तो काफी मात्रा में, धान कम होता है, गन्ना बहुत पैदा होता है, गन्ना बेल्ट है। गन्ने में देखिए 2-3 साल का पेमेंट नहीं हुआ, करोड़ों रुपया बकाया फैक्ट्रियों को, आप उसको एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट खेती मान लीजिए, क्योंकि मिल मालिक सब प्राइवेट हैं, उनसे हमारा एग्रीमेंट होता है, उसमें वो 2-2 साल तक पेमेंट नहीं करते, और इसी तरह कॉरपोरेट से एग्रीमेंट होगा तो हमें डर है, तो जैसे गन्ने का हाल है 2-2 साल तक हमारा पेमेंट नहीं मिलता, हो सकता है वो भी ऐसी करना। एक ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपका गन्ने का, मिलों से एग्रीमेंट होता है 2-2 साल तक पेमेंट नहीं होता, करोड़ों रुपया, और किसान का जो बिजली का कनेक्शन वो तुरंत काटा जाता है, वो पेमेंट मांगता पेमेंट नहीं, किसान का गन्ने का पैसा बकाया ब्याज नहीं मिलता, सरकार से हम पैसा बैंक से लोन लेते हैं उस पर वो 15% ब्याज लेती है, उसे माफ़ नहीं करती, हम कहते हैं कि हमारा 2 साल गन्ना का पैसा इस्तेमाल किया मिल मालिक ने, इस हमारा जो है मैं ब्याज के पैसा दिलवा दो, सरकार आनाकानी करती है और मिल मालिकों का समर्थन करती है।